नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल सक्सेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ITC के शेयर के बारे में। दोस्तों बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ITC शेयर के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका रिजल्ट आया हुआ है, साथ साथ बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है, बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये है PDF ITC लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट के बारे में, जो फाइनेंशियल 2020 था उसके Q4 के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बाद हम इसके शेयर के बारे में भी बात करेंगे, किस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ITC में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रॉस रेवेन्यू है फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस के ग्रॉस रेवेन्यू जो है सेल से 11,300 करोड़ है। अगर आप बात करेंगे जो देख सकते हैं कि जो 31/3/2019 है उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है ग्रॉस रेवेन्यू, और जो हमारा पिछला क्वार्टर है उससे कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई जरूरत नहीं है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है क्योंकि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के कारण इनके जो सेक्रेट का बिजनेस था वो प्रभावित हुआ होगा। तो इसके बाद अदर इनकम भी देख सकते हैं यहाँ पर, फिर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर टोटल इनकम पे आ जाते हैं तो 12,175, और पिछला साल जो था 12,946 था सेम मार्च क्वार्टर में। उसके बाद टोटल एक्सपेंस यहाँ पर देख लीजिए, टोटल एक्सपेंस हमारा हो गया 7,663, और जो पिछला साल का जो मार्च क्वार्टर था उसमें था 7,992। तो ये टोटल एक्सपेंस भी घटा है तो टोटल रेवेन्यू भी घटा है, तो दोनों में डिक्रीज हुआ है। तो चलिए अब हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो है 3,797, और पिछला क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर जो था 2019 का उसमें था 3,481। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक तो ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे है कम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्रिहेंसिव इनकम वो हो गया 3,035 करोड़, और पिछले साल का जो मार्च क्वार्टर था उसमें था 3,538 करोड़। टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम इतना हो गया, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट ऑफ द पीरियड देखे वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से आपने देख लिया। और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम था ये हमारा निगेटिव था, ये जो निगेटिव होने के कारण जो टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम है उसमें डिक्रीज हुआ, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ था फॉर द पीरियड वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। कहाँ 3,481 करोड़ था और इस बार हो गया 3,797 करोड़, मतलब लगभग 400 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से इतना इंक्रीज हुआ प्रॉफिट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर जो EPS है उसमें भी इंक्रीज हुआ है, जो मार्च क्वार्टर 19 था उसमें था 2.84 रुपीज़ और इस बार हो गया अर्निंग पर शेयर 3.09 रुपीज़। तो रिजल्ट ITC का मिला जुला कर काफ़ी अच्छा रहा। और सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे अट्रैक्टिव बात है, इस बार ITC 5 रुपये के बदले 10 रुपया डिविडेंड दे रहा है। मतलब हर बार ये 5 रुपये का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देता था, इस बार 10 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। दोस्तों ऐसे में जिसके पास एक लार्ज शेयर होल्डिंग है उनके लिए काफ़ी इस पैंडमिक सिचुएशन में बेहतर मतलब रिटर्न मिल रहा है ITC से। तो मतलब 5% का रिटर्न, 5% से भी ज़्यादा का कहिए ये डिविडेंड के रूप में आपको दे रहा है, क्योंकि 200 से कम रुपये का ये स्टॉक्स है 10 रुपये आपको डिविडेंड दे रहा है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये। द रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज़ पर ऑर्डिनरी शेयर, देख सकते हैं 10 रुपीज़ 15 पैसा का डिविडेंड दे रहा है, जो ₹1 फेस वैल्यू का शेयर है इसका। ये शेयर मतलब ये डिविडेंड जो है कंप्लीट किया जाएगा 4 सितंबर को, जो मीटिंग होगा AGM होगा एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें जो ये अप्रूव हो जाएगा, फिर ये दिया जाएगा 8 सितंबर को। तो सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन है, 8 सितंबर 2020 को दिया जाएगा, 4 सितंबर को ये डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो जब गिरावट आता है स्टॉक्स में तब आपको बाय करना चाहिए। चलिए तो हम स्टॉक के प्राइस पर चलते हैं, चार्ट पर चलते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे ITC में आपका क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए शेयर में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा ITC का चार्ट है। ITC का जो करंट प्राइस है 195.70 रुपये है, और आज ये देख सकते हैं काफ़ी डाउन था, तो काफ़ी इसमें आज गिरावट आई है। जो ओपन हुआ था 206 रुपये पे हुआ था, और जो हाई बनाया 209 रुपये बनाया, और जो क्लोज हुआ 195 रुपये पर क्लोज हुआ। तो समझ सकते हैं काफ़ी इसमें आज गिरावट था, और पिछला डे कल जो है इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला था और आज इसमें काफ़ी गिरावट देखने मिला। तो इसमें आज देख सकते हैं ये जो हमारा मूविंग एवरेज है अपने 100-day मूविंग एवरेज, 50-day और 20-day उसके क्लोज है, बहुत ही समीप है,
और 200 डे का जो मूविंग एवरेज है उससे काफ़ी नीचे है, क्योंकि 200 डे का मूविंग एवरेज जो ITC का अभी 215 रुपये है, तो आज के गिरावट के बाद अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे आ चुका है। तो देख सकते हैं ITC जो है अभी भी आपके पास बाय करने का मौका है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, जब ये 180 या उससे नीचे आ जाता है तब आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको इसमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो अब चलिए हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देख लेते हैं कि ITC कैसा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों ये है लॉन्ग टर्म चार्ट ITC का। ITC देख सकते हैं पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म रहा है, देखते हैं 2018 से ही अंडर परफॉर्म रहा है, देखते हैं काफ़ी इसके प्राइस पे नीचे फॉल आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये आउट परफॉर्म कर सकता है। तो काफ़ी दिनों से ITC में देखते हैं काफ़ी दिनों से ये अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर हम बात करें 2008 से तो अभी तक में इसमें 36% का करेक्शन हो चुका है, 36% के करेक्शन के प्राइस पे आपको मिल रहा है, मतलब एक तरह से जो प्राइस आपको मिल रहा है 180 के आसपास, वो प्राइस देख लेते हैं 2012 का जो प्राइस है उस पर आपको ITC का शेयर मिल रहा है। और डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं कि अब जो ये डिविडेंड यील्ड ऐड होगा तो ये डिविडेंड यील्ड और भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 5% का डिविडेंड यील्ड हो जाएगा इसका। तो काफ़ी शानदार शेयर है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, सीक्रेट जिसका लीडिंग ब्रांड है ये FMCG, उसके बाद जो स्टेशनरी सामान है, उसके बाद ये मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, तो आप समझ सकते हैं होटल इंडस्ट्री में भी है, तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है ITC का। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना तो इस कंपनियों में बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ब्लू चिप कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना तो आप इन कंपनियों में ज़रूर करें। तो बहुत ही अच्छा इसका चार्ट है, काफ़ी अट्रैक्टिव चार्ट है। अगर हम पिछले 2 साल के चार्ट को छोड़ दें तो ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये देख सकते हैं 1800% का रिटर्न दिया है 18 साल में, तो मतलब आपका हर साल जो है ये आपके इन्वेस्टमेंट को डबल किया है। साथ ही साथ ये कंपनी काफ़ी अच्छा बोनस देती है, बोनस का मैजिक अगर आपको समझना हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप जा कर के वीडियो को देखिए और बोनस के मैजिक को सीखिए, क्या होता है बोनस का मैजिक। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि ये डिसीजन लेने में कि ITC में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ITC में हर गिरावट में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से एक ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनियाँ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपको पैसिव इनकम डिविडेंड के रूप में देती है, साथ ही साथ ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न भी देती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।